नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय देश भर में श्रद्धा मर्डर कांड की काफी चर्चाएं हो रही है और उसी बीच में हम इस समय खड़े हैं वैसे की संस्कृति बिल्डिंग में जहां श्रद्धा रहती थी। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस समय काफी भीड़, मीडिया भी काफी पूरे मीडिया का जमावड़ा है। यहाँ नीलम गोरे मैडम जो कि उपसभापति है महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद की, वो आई। उन्होंने अभी श्रद्धा के परिवारजनों से मुलाकात की और उसकी पूरी जानकारी यहाँ मीडिया के सामने साझा की। आपको ये भी बता दें कि कल शाम को ही शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप ने वैसे में एक मोर्चे का आयोजन करते हुए पुतले का दहन भी किया था। तो कहीं ना कहीं आक्रोश इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें वसई पुलिस की जो कारगिरी है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि जब मामला खुला था तो वसई पुलिस को कोई दाद नहीं दे रहा था, लेकिन हकीकत जब सामने आई कि इस मामले में पूरा वसई पुलिस ने किस तरह से बारीकियों से जांच करते हुए तब लोगों को जब ये मामला पूरी तरह से खुलासा हुआ और लोगों को ये मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र पुलिस की इतनी काबिलियत की वजह से ये एक ब्लाइंड केस बोला जाएगा जैसा केस ही खुला है, तो कहीं ना कहीं लोग अब वसई पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। हम भी ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और ये इस मामले में हम खुद भी ये कहना चाहते हैं कि आरोपी जो भी है उसके साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं बरती जाए, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह का घिनौना हरकत करने की सोचे तक। अभी के लिए इतना ही, बस ऐसे मणिपुर की पुलिस जो है वो पहुंच गई और उन्होंने जिस तरीके से बहुत ही क्रूर तरीके से ये जो साजिश करके उसको टुकड़े टुकड़े करके मारने का जो किया है, कुकर्म किया है, उसका मैं निषेध करती हूँ। विधान परिषद महाराष्ट्र की उपसभापति होने के हैसियत से और उसी के साथ साथ शिवसेना के उपनेता होने के हैसियत से मैंने इसमें ध्यान दिया है। मैंने उसके पिताजी के साथ में बहुत कुछ समझने की कोशिश की, उनके से मालूमात करा ली और ये भी बात स्पष्ट है कि उनका ये कहना है कि उनको ये चाहते हैं। अरे मोबाइल फोन बंद करून तरी आप गाइड क्या असं काय करता है? सॉरी, त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये इनकी अपेक्षा है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से श्रद्धा को गुमराह किया गया, उसके पास से पैसा मांगने के लिए भी शायद वो दबाव डाल रहा था, ऐसे कई मुद्दे उसमें हैं। मैंने उनको ये कहा है कि वो जो भी बातें श्रद्धा के साथ होती थी उसको ठीक तरीके से उसको लिख के रखे, जिससे जब फैसला चलेगा तो मुकदमे में इसका फायदा हो सकता है। दूसरी बात जो है कि ये जो परिवार यहाँ पे रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत टेंशन आया है, तो इसके लिए उनको जितना मीडिया से दूर रहेंगे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ही पहली व्यक्ति हूँ कि पुलिस को छोड़ के जिन्होंने उससे बात की है, और ये वो यही चाहते हैं कि ये सबका सब मुकदमा पूरा होने तक अगर आपका सहयोग उनको मिलेगा तो जल्द से जल्द इंसाफ भी मिल सकता है। और उसी के साथ साथ जो भी कुछ को तकलीफ होती है या कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, खास करके कानूनी तौर पे जो मदद लगती है सरकारी वकील मिलने के लिए उसके लिए भी हम उनको पूरा सहयोग देने वाले हैं। हत्या की कोई वजह बताई उन्होंने? हत्या की कोई वजह पिता ने बताई कि क्या क्या कि मैं परेशान हूँ, मुझे वापस आना, इस तरह की कभी बातें हुई पिता के साथ बेटी की? उसने ये कहा था कि उसका वो ये चाह रही थी कि कभी कभी झगड़े हो रहे थे लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैंने उसको समझाया तो वो इतनी तैयार नहीं थी आने के लिए और ये एक मुश्किल हो गया। दूसरी बात ऐसी है कि जब बर्थडे के लिए उन्होंने विश किया था तब भी ऐसी कोई उसकी कंप्लेंट नहीं थी कि मुझे तकलीफ हो रही है इस तरीके से, शायद उसका बहुत विश्वास था उस पर और इसके लिए उन्होंने पिताजी को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। पूछा कि ये सब बातें क्यों हुई, क्योंकि वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था, इसके लिए हुई क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि वो उसको दुष्टता के तरीके से साथ में आ रहा था। मैम, मनी कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एक उन्होंने ये कहा कि वो कुछ तो दबाव उस पर डाल रहा था और ये जो पैसे का ट्रांजेक्शन की जो बात आ गई ना सामने, उससे उनको ये लग रहा है कि जब उन्होंने जानकारी ली तो शायद वो अलग अलग तरीके से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा, जिसके कारण उसको ये हौसला नहीं हुआ कि वो आके पिता तक बात करे और कहे कि मुझे इसके बारे में तकलीफ हो रही है। उसके माँ पर भी इसका बहुत बड़ा सदमा आया और माँ जी का भी उसके इसी में निधन हो गया।
मेरी बात जो हो गई तो वो खुद उनके पिता के साथ और एक उनके फैमिली फ्रेंड थे वो वहाँ बैठे थे, पिताजी के साथ ही सब मेरी बात हो गई। क्या पिता ने लव जिहाद जैसी कोई बात कही? मैम लव जिहाद की बात बहुत जोर से उठ रही, क्या पिता ने बात कही? उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऐसा जिक्र उसने नहीं किया था, ऐसा उनका कहना है। मैम डोमेस्टिक वायलेंस मतलब उनके मारपीट करता था वो लड़का उनसे? नहीं, वो ऐसी बात तो हुई नहीं, लेकिन एक बात है कि वो बहुत प्रेशर में थी, ऐसा उनको जरूर लग रहा है। अब वो प्रेशर पैसे का है कि वो प्रेशर मारपीट का है, वो ये भी कर रहा था ना, वो शराब वगैरह भी पी रहा था भरपूर, ड्रग्स भी ले रहा था, तो इसके लिए ये कारण भी उसकी हिंसा का हो सकता है। मैम क्योंकि वो दिल्ली में थे, पुलिस के साथ थे, जांच उनको पता है क्या चल रही है, तो क्या जो ये आरोपी है आफ्ताब वो श्रद्धा के साथ रहकर भी उसको धोखा दे रहा था? बिल्कुल धोखा तो दे ही रहा था, और उसी के साथ साथ उसने झगड़े हो रहे हैं और इसीलिए उसने ये प्लान किया करके किया है, ये भी बात स्पष्ट है। घटना की रात क्या हुआ था मैम? कुछ पिताजी को पुलिस की दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था? नहीं वो बात जो है ना, वो जब घटना हुई तो पिताजी तो वहाँ नहीं थे ना। नहीं पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस ने उनको नहीं पूछा ये सब बातें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के सब डिटेल जो है मुझे भी मालूम होंगे। तो फिर भी मैं जब आपसे ये बात करती हूँ तो जैसे एक इंसान भोले इंसान है वो सुनते हैं, वैसे जो लॉयर्स हैं एक्यूज के वो भी पढ़ के उसका स्टडी करते हैं। इसके लिए ऐसी कोई बात नहीं कहूँगी मैं, और अभी तक ना कि किए हैं 30 सालों में कि जिससे आरोपी को फायदा हो। इस केस में मालिकपुर पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है मैम, इस केस में कि आफ्ताब किस तरह का लड़का है। नहीं उन्होंने ये कहा कि माँ को पता था कि इनकी दोनों के ठीक नहीं चल रहा, तो माँ के मौत के पहले उसको ये पता हो गया और उसका उसको सदमा है। ताई मणिपुर पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है, अगर गुमशुदगी की शिकायत सुमोटो नहीं ली गई होती तो शायद इतना बड़ा केस क्रैक भी नहीं होता। मणिपुर पोलिसांनी त्याची दखल घेतली, हिंदी ताई पूरे टीम का मैं मुझे लगता है मैं समाधान व्यक्त करती हूँ, और हमारे आगामी जो सेशन होगा उसमें ये काम के बारे में तब तक अगर चार्जशीट सामने आता है तो वो चार्जशीट के मुताबिक जरूर महाराष्ट्र पुलिस का भी मैं इसके बारे में कहूँगी कि उन्होंने ठीक कदम उठाया। और दिल्ली तक जब गए वो तो दिल्ली को जाने के बाद में भी दिल्ली पुलिस में इसमें ध्यान दिया है। अब मौका यह है कि DNA जो है वो मैच हो जाएगा तो जल्द से जल्द गुनाह जो है साबित होने में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपके माध्यम से आपने जो दखल लिया है इसके माध्यम से मैं ज़रूर ये कहूँगी एक बात कि हम लड़कियों को IT सिखाते हैं, वीडियो कॉल सिखाते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, लेकिन सरकारी लेने को जाती है तो 10 बार वो देखती है कि ठीक है कि नहीं, लेकिन आदमी जब फंसाता है उनको पूरा के पूरा हम उनको इतनी भोली बनाते हैं कि वो जल्द से फंस जाती है। तो इसके लिए सब लड़कियों को और उनके पिताजी को सबको मेरी एक विनती रहेगी कि वो संभल के काम करें, और इसी के साथ साथ जो लड़का है उसके बारे में किसी को भी सहानुभूति या सपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो शेम दिस फेलो इस तरीके से कोई कैंपेन चलाएंगे तो अच्छा है। एनी काइंड ऑफ लव जिहाद अंदर मैम एक सुकन्या श्रद्धा यांचा अतिशय निर्घृणपणाने मृत्यू झालेला आहे, खून झालेला आहे, त्याच्याबद्दल चौकशी आणि म्हणून इथल्या स्थानिक पोलिसांशी बोलायचं, त्याबद्दलच्या FIR ची माहिती घ्यायची, तसंच त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घ्यायची, या हेतूने मी इकडे आलेले आहे। तिच्या वडिलांशी सगळ्यांच्या बरोबर आणि पोलिसांखेरीज सुद्धा माझी एकांतामध्ये भरपूर चर्चा झाली, त्यांच्याकडून पूर्णपणे घटनेची मी माहिती घेतलेली आहे आणि त्याच त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत। विधान परिषदेचे उपसभापती या नात्याने मी त्याची दखल घेतलेली आहे आणि लवकरच लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिर्ला त्याचबरोबर केंद्रीय गृह विभागाचे तसंच दिल्ली या ठिकाणी घटना घडलेली असल्यामुळे तिथले संबंधित पोलीस अधिकारी या सगळ्यांशी मी बोलणार आहे आणि लवकरात लवकर या कोर्टामध्ये निकाल लागून त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। पोलिसांशी वसईविरारमध्ये इथे बोलले माणिकपूर पोलीस स्टेशनच्या, त्यांनी अतिशय तपशिलामध्ये जाऊन जे आयो आहेत त्यांनी अतिशय तपशिलामध्ये जाऊन पोलिसांनी संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे। दिल्लीमध्ये जाऊन त्यांनी कॉल रेकॉर्ड जेव्हा तपासले त्यावेळेला निदर्शनास आलं की कुठल्याही प्रकारची बँकेची ट्रान्झॅक्शन जी होती ती ट्रान्झॅक्शन सगळ्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये कुठलेही पैसे भरले गेले नव्हते, उलट पैसे काढले गेले होते। त्याच्यामधून त्यांचा हेतू जो आहे तो खुनाच्या पाठीमागे पैशातून असणारं ब्लॅकमेलिंग पण होता का अजून काही होता हे पुढच्या काळात सगळं चित्र स्पष्ट होईल,
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये ते इथे सुद्धा 2-2.5 वर्ष राहिलेले होते आणि त्याच्यानंतर ते तिथे गेले. त्यांचे जे मित्र आहेत श्रद्धाचे त्यांना लक्षात आलं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हिचं काही कम्युनिकेशन होत नाहीये, त्या संशयास्पद मृत्यू होऊ शकतो, त्या दृष्टीने त्यांनी सामाजिक जबाबदारी पार केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचंही अभिनंदनास ते पात्र आहेत. श्रद्धाचा जो जीव गेलेला आहे तो जीव घेत असताना कुठल्याही प्रकारचे पारख या आरोपीची तिला होऊ शकली नाही, फसवणूक झालेली आहे आणि आपण मुलींना पायावर उभं करतो त्यावेळेला त्यांची फसवणूक होऊ नये या दृष्टिकोनातून पालकांनी प्रयत्न करून सुद्धा परिणाम झाला नाही. अशा वेळेला प्रत्येकच माणूस असं करेल अशातला भाग नाही आहे. लिव्ह इन मध्ये ती नसती आणि लग्न केलेलं असतं तरी नवरा असाच वागला नसता का याच्याबद्दल सुद्धा खात्री नाही आहे. परंतु मला असं वाटतं की दिल्ली पोलीस आणि पालघर मधले इथले माणिकपूरचे पोलीस या सगळ्यांनी मिळून चांगलं काम केलेलं आहे आणि लवकरात लवकर या केसचा निकाल लागावा असं अपेक्षित आहे. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.